अब अगर आप चाहते हैं कि आपने ये सारा जो कुछ किया है आप वैसे ही कर दें जैसे पहले था, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है अंडू का, या फिर आप कंट्रोल जी दबा सकते हैं और अपने फोन को वैसे कर सकते हैं जैसे वो इनिशियली था। उसके बाद अब अगर आप चाहें कि आप कोई लिस्ट यहाँ बना लें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आप स्टेशनरी से अपने लिए क्या सामान लेना है, अगर आपकी वो लिस्ट हो तो बुक्स पेंसिल्स इरेजर्स। अब अगर आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट टाइप की बुलेट चूज करें तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इसे सेलेक्ट करना है और आप यहाँ से कोई और बुलेट टाइप सेलेक्ट करना है। अब अगर आपको जैसे सब बुलेट लिस्ट बनानी है, जैसे आपको बुक्स भी किसी टाइप की चाहिए, तो आप पहले एंटर दबाएं फिर आप टैब की दबा दें, फिर आप यहाँ मेंशन कर दें कि आपको उर्दू की बुक चाहिए, मैथ की, और इसी तरह जब आपने इससे बाहर निकलना है तो डबल एंटर दबा दें, आप पूरी बुलेट लिस्ट से बाहर। अब अगर जैसे आपको टेबल बनानी है किसी चीज़ के लिए या कुछ नोट डाउन करने के लिए, तो आपको सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट पे, टेबल के आइकन को क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये जो है ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स डिनोट करते हैं और ये जो है ये आपके नंबर ऑफ रोज डिनोट करते हैं। तो जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उतने ही आ जाएंगे। मैंने चार और चार सेलेक्ट किए हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो है एक टेबल आ गई है जिसको जिसके चार रोज और चार कॉलम है। इसी तरह आप जब ऊपर आएंगे यहाँ डिजाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टेबल के डिफरेंट फॉर्मेट्स या एडिटिंग कर सकते हैं, इसका रंग चेंज कर सकते हैं आप, या अगर आपको ऐसी चाहिए या ऐसी चाहिए हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप टेबल को मैन्युअली भी बना सकते हैं, वो इस तरह से कि आप प्लस का साइन बनाएं फिर काफ़ी सारे माइनस या जितने भी आपको अपनी रो का साइज चाहिए, फिर प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर एंटर दबा दें, तो ये जो आपके माइनस साइन थे वो एक्चुअली आपकी रो की जो लेंथ है या विड्थ है वो डिटरमिन कर रहे थे, और प्लस से जो है वो आपके कॉलम्स को क्लोज कर रहे थे। तो अगर आप मैनुअली टेबल बनाना चाहें तो आप इस तरह टेबल बना सकते हैं। हम देखते हैं कि हम इस टेबल में काम कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, यहाँ पे जैसे आपने लिख लिया मैथ इंग्लिश, और यहाँ आपने लिख दिया मार्क्स, और यहाँ जैसे आपने बॉब के मार्क्स लिख दिए, सिंडी के मार्क्स लिख दिया हमने, अब अगर आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना चाहें आप टैब की दबा सकते हैं, या आप मैन्युअली इस कर्सर से भी कर सकते हैं जो आपको पसंद लगे। और जैसे अगर आप आगे से पीछे जाना चाहें तो आप शिफ्ट और टैब दबाएं, आप पीछे चले जाएंगे। अब अगर आपको जो है कोई और बच्चा बीच में ऐड करना हो, जैसे आप का कोई बच्चा है जिसका नाम एस है और आप पहले ऐड करना भूल गए, तो आप इस कर्सर को यहाँ रखेंगे फिर एंटर टैब दबाएंगे। अब यहाँ से आप एक और रो आपने एंटर कर दिया इसका। अब अगर यहाँ पे हम कुछ लिख दें और आप चाहते हैं कि इसे हम ऊपर लिख जाएं, तो ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके आप ऊपर की की दबाएं, इस तरह आपका ये रो ऊपर जाता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं बॉब और सिंडी के बीच में आ जाए, तो आप इसको ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबा के नीचे वाली की प्रेस करें, फिर ये दरमियान में आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इतने हिस्से को अलग कर दें, तो आप इसे सेलेक्ट करें, ऑल्ट और शिफ्ट दबाएं और नीचे का बटन दबा दें, तो ये दो अलग टेबल्स बन जाएंगी। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इसको वापस से कंट्रोल जी या अंडू प्रेस कर सकते हैं और फिर ये वापस से एक हो जाएंगी।